आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सदिश क्षेत्र का कर्ल, यानी कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है, मुझे आवाज आ रही है इसलिए माइक ऑफ कर लीजिए। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड यानी कि सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल। देखिए माइक ऑफ कर लीजिए, आप में से किसने माइक ऑन कर रखा है? सदिश क्षेत्र का कर्ल। देखिए जो डेफिनेशन आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में कर्ल की पढ़ी थी उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको रिकॉल करना। अगर हमारे पास में कोई वेक्टर ए वेक्टर है, वेक्टर ए, देन उसका कर्ल हम किस तरह से लिखते हैं? उसको लिखते हैं कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए, या फिर आप लिखते हो उसे कर्ल ऑफ ए, इस तरीके से डेल ऑपरेटर का यूज करते भी आप इसको लिख सकते हो और लैंग्वेज की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो कर्ल ऑफ ए। ये लिखने का तरीका रहता है ए वेक्टर के कर्ल, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आप ए का कर्ल निकाल रहे हो यहाँ पर, तो ए वेक्टर का क्या निकालोगे आप यहाँ पर? ए वेक्टर का आप लाइन इंटीग्रल फाइंड करोगे। पहले सबसे पहले उसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करोगे और देन लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के बाद में जो एरिया यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, उस एरिया का यहाँ पर क्या लगाओगे? डिवाइड लगाओगे। यानी कि ये क्या बात होगी? ये बात होगी यूनिट एरिया की, क्योंकि जब भी आप किसी क्वांटिटी का डिवाइड लगाते हो तो क्या बोलते हो कि आपके पास वो क्वांटिटी क्या है? यूनिट है। जैसे टाइम का डिवाइड लगा रहे हो तो आप बोलते हो कि टाइम यूनिट है, एरिया का डिवाइड लगाएंगे तो बोलेंगे एरिया यूनिट है, वॉल्यूम का डिवाइड लगाया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो हमने बोला था कि वॉल्यूम क्या यूनिट है। यहाँ पर हमने एरिया का डिवाइड लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया है डीएस वो क्या है? टेंस टू जीरो, यानी कि जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अग्रसर है, यानी बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम जो है आज किसी वेक्टर क्वांटिटी ए का जो है कर्ल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख देता हूं, देखिए रेखा समाकल यानी कि लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन तथा बंद पथ यानी कि क्लोज पाथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल मीन्स बाउंड एरिया के अनुपात, यानी इनका आप रेशियो ले रखा है आपने के अनुपात, क्या देखिए इन दोनों का आपने रेशियो ले रखा है, समाकलन और जो आपके पास में एरिया है जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, दोनों का हमने अनुपात ले रखा है, रेशियो ले रखा है। सीमांत मान, सीमांत मान का मतलब हो गया यहां पर एरिया क्या लिया है हमने? टेंस टू जीरो लिया है, सीमांत मान, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो, यानी कि क्षेत्रफल का मान क्या हो? लगभग शून्य हो, शून्य ना हो लेकिन शून्य के पास में हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति में, क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति में, क्षेत्रफल अल्पांश का मतलब हो गया डीएस की स्थिति में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है किसी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, रेखा समाकलन फाइंड करेंगे और फिर इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का क्या ले लेंगे? उसके साथ अनुपात ले लेंगे। और ये इसमें भी क्या होगा? हमारे पास सीमांत मान होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? टेंस टू जीरो होगी, शून्य के निकट होगी। इस स्थिति में ये जो वैल्यू है क्या कहलाएगी? ये वैल्यू कहलाएगी कर्ल ऑफ ए वेक्टर कहलाएगी। ये हमारे पास में डेफिनेशन है कर्ल ऑफ ए की, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर कर्ल ऑफ वेक्टर ए को फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये हो गया ओरिजिन, हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में कर्ल, ये दूसरा कर्ल हो गया और ये हो गया तीसरा कर्ल, इस तरीके से ये हमने तीन कर्ल बना लिए, ठीक है। और इनको नेमिंग कर दीजिए, जैसे कि ये वाला हम ले रहे हैं यहाँ पर, इस वाले को U1 ले लीजिए
और ये वाला कर्व हम ले रहे हैं यू टू कर्व, दिस वन इज यू थ्री कर्व, दैट इज ओरिजिन। ये आपके पास में क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर यू वन अगर कर्व बात करूँ तो यू वन कर्व पे आपके पास में रेखालंब्ध क्या होगा, रेखालंब्ध यहाँ पर होगा एच वन डी यू वन, ठीक है। और यू टू कर्व पर रेखालंब्ध होगा एच टू डी यू टू, और यू थ्री कर्व पर रेखालंब्ध होगा एच थ्री डी यू थ्री। आगे देखिए, अब यहां पर हम एक जो है लाइन इंटीग्रल के लिए मान लीजिए आप यहां पर जो है बंद पथ बना रहे हो, जैसे कि मैं बंद पथ बना रहा हूं यहां पर, ये बंद पथ बना रहा हूं इस तरीके से, यहां पर ये वाला मैं बंद पथ बना रहा हूं इस तरीके से, ये बंद पथ बना दिया मैंने। अब देखो बंद पथ कैसे है, जैसे मान लीजिए ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, ये वाला पॉइंट ओ है, यहां से मान लीजिए ये वाला जो बिंदु है वो एल है, ये वाला बिंदु एल है, और इस वाले बिंदु को आप मान लीजिए M मान लीजिए, और ये वाला बिंदु को मान लीजिए N। तो इस तरीके से O L M N ये क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है, एक पृष्ठ भी हो गया और बंद भी है, ये क्लोज पर यहां पर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब कर्ल हम यहां पर पहले फाइंड करेंगे, तो कर्ल फाइंड करने से पहले देखिए आपको बता दूं मैं कि हमें यहां पर इसको पार्ट्स में जो है यहां पर सोल्व करना होगा, यानी कि हम एक साथ इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन से घटक के लिए हम यहाँ पर जो है निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर के U3 घटक पर हम विचार करें। U3 आपके पास में क्या है, U3 आपके पास में ये रहा, ठीक है। अब ये किसके लंबवत है, यानी कि ये किसकी दिशा होगी, ये आपके पास में ओ एल एम एन जो आपके पास में एरिया बना रहा है उसकी दिशा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले जो है आपके पास में बंद वक्र लेंगे ओवल, ये वाला ओवल ले रहे हैं, उसके बाद हम जो है एम एन लेंगे, उसके बाद हम एन ओ लेंगे, उसके बाद हम एल एम लेंगे। इस तरीके से पहले हम इस बंद वक्र को या इस बंद आपके पास में पृष्ठ को जो है हम यहाँ पर उसका रेखा समाकलन फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम इसके एरिया का डिवाइड लगा देंगे। तो ऐसा करके हमें क्या मिल जाएगा, एक जो है घटक मिल जाएगा, वो घटक किसका होगा, वो घटक होगा यू थ्री का घटक होगा। यू थ्री का घटक क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपके पास में जो एरिया है उसकी डायरेक्शन किसमें है, यू थ्री की डायरेक्शन में, इसलिए घटक किसका होगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ओ एल एम एन को अगर हम सोल्व करते हैं, पहले इसका रेखा समाकलन निकालेंगे, उसके बाद में इसके एरिया का इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो घटक हमें किसका मिलेगा, U3 का घटक मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर U3 और U2 के लिए अगर मैं यहाँ पर अगर बंद पृष्ठ बनाता हूँ तो घटक हमें किसका मिलेगा, घटक हमें मिलेगा U1 का। अगर मैं U1 और U3 के लिए बनाऊंगा तो घटक किसका मिलेगा, U2 के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले U3 का घटक निकालेंगे। आइए तो यहां पर आप लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि लेट यू थ्री अक्ष के लंबवत तल, अब लंबवत तल यू थ्री अक्ष के लंबवत तल कौन सा है, ओलमन है, ठीक है, तल ओ एल एम एन ये हमने लिया है, ठीक है, ये है आपके पास में। और यहाँ पर देखो आपके पास में ओवल की डायरेक्शन में जो रेखालंब्ध है वो क्या है, एच वन डी यू वन है, और ओ एन के लिए आपके पास में रेखालंब्ध क्या है, एच टू डी यू टू है, तो इसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए आपके पास में रेखालंब्ध इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओ एल वक्र के अनुदिश, ओ एल वक्र के अनुदिश सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का घटक। अगर हमारा जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो आपके पास में ओवल है, ओवल के अनुदिश जो आपके पास में घटक लेंगे वो कौन सा होगा। देखो ओवल की दिशा कौन सी है, ओवल की दिशा यू वन है, तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर को अगर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हो तो क्या लिखते हो उसे, ए वन ई वन कैप, ए टू ई टू कैप एंड ए थ्री ई थ्री कैप। तो ए वन क्या होता है, यू वन के अलोंग घटक होता है, ए टू यू टू के अलोंग घटक होता है, और ए थ्री यू थ्री के अलोंग घटक होता है। तो हमें बोला जा रहा है कि ओवल वक्र के अनुदिश, तो ओवल वक्र किसके अलोंग है, ओवल वक्र U1 के अलोंग है, तो U1 के अलोंग घटक कौन सा होगा, U1 के अलोंग घटक होगा A1।
तो यहाँ पर ओवल वक्र के अनुदिश सदिश क्षेत्र ए का घटक क्या होगा, ए वन होगा। ठीक है, अब देखो ओ से एल तक, हम यहाँ पर ओ से एल तक क्या निकाल रहे हैं, रेखा समाकलन कर रहे हैं, यानी लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ओ से एल तक सदिश क्षेत्र यानी कि आपके पास में वेक्टर फील्ड का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, हम ओ से एल तक हम निकाल रहे हैं और बीच में यहां पर क्या आता है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास में जो ए वेक्टर है उसका ओवल की दिशा में घटक कौन सा है, ए वन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए वन आ जाएगा। और डीएल क्या होता है, डीएल होता है आपके पास में लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट। तो देखो ओवल की दिशा में लाइन एलिमेंट क्या है, ओवल की दिशा में लाइन एलिमेंट है रेखा समाकलन है एच वन, सॉरी रेखा है बस में अल्पांश है वो है एच वन डी वन। तो ये हो गया ओ से एल तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान हो गया ए वन एच वन डी वन। ठीक है, ये आपके पास में ओवल दिशा में हो गया, इसे आप कोई भी जो है इक्वेशन या समीकरण दे सकते हैं। आगे देखिए, अब अगर मैं यहां पर, ये तो आपके पास में यहां हो गया, अब मैं यहां पर अगर एम एन पे निकालना चाहूं, अगर मैं एम एन पर निकालना चाहूं तो सबसे पहले हमें जो है यहां से यहां के बीच में परिवर्तन निकालना होगा, यानी कि यहां से जब आप यहां आ रहे हो तो यहां पर परिवर्तन कितना होगा, उस परिवर्तन को हमें निकालना होगा। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, हम देखिए ये कौन सी दिशा है, ध्यान से देखिए ये वाली दिशा यू टू दिशा है, तो यहां पर हम लिखेंगे यू टू दिशा में, यू टू दिशा में रेखा समाकलन में परिवर्तन की दर, रेखा समाकलन में परिवर्तन की दर यानी चेंज रेट इन दी यू टू डायरेक्शन। आप यू टू डायरेक्शन में चेंज रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये आपके पास में क्या था, ये आपके पास में ओवल पर रेखा समाकलन का मान है, तो सबसे पहले इसी के अंदर परिवर्तन होगा, तो इसी के मान को हमें लिखना होगा ए वन एच वन डी वन, क्योंकि हमें परिवर्तन इसी में करना है। अब ये परिवर्तन जो हो रहा है वो ए वन एच वन डी वन में हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है यू टू दिशा के सापेक्ष। तो यू टू दिशा के सापेक्ष आपके पास में दूरी क्या है, एच टू डी टू है, यानी इस दूरी के सापेक्ष ही होगा, तो इसी के सापेक्ष में क्या करना होगा, यहाँ पर समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास में देखो आप लिखोगे तो यहाँ पर एच टू डी टू लिखोगे, है ना, मतलब एच टू और यू टू दोनों टर्म आएंगी, लेकिन एच टू जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर उसको हम लिख लेंगे बाहर और यहाँ आ जाएगा ओनली यू टू। देखो डी टू नहीं आएगा क्योंकि डी आपको मतलब डेल का ही आ गया, मतलब डेल और डी आपके पास में एक जैसी हो गई, वो या आपके पास में आंशिक अवकलन है या आपके पास में पूर्ण अवकलन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में हमने यहाँ पर इसको किसी फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने आंशिक अवकलन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपके पास में ये वाली वैल्यू है, ये एच टू डी यू टू ये। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया यू टू दिशा में रेखा समाकलन हो गया, ये आपके पास में रेखा समाकलन का मान था, इसमें परिवर्तन की दर हो गई। ठीक है, ये परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर है, ये ध्यान रहे परिवर्तन की दर है, ये परिवर्तन अब होगा, मतलब एम से लगाकर एन तक अगर हम यहां पर रेखा समाकलन का मान निकाले तो देखिए इसका मान क्या होगा, एम से एन तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, एम से एन तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो देखिए वो क्या होगा, इसे आप लिखोगे एम टू एन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर से हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहां पर जो मालूम है वैल्यू वो नहीं है, हमें वैल्यू यहां ओ से एल तक की मालूम है जो कि कितनी है ए वन एच वन डी वन है, तो ए वन एच वन डी वन। अब हमें यहां पर नहीं, हमें यहां निकालना है, तो यहां से यहां पर आने में जो परिवर्तन की दर है वो कितनी है, वो परिवर्तन की दर ये वाली है, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे डेल अपॉन डेल यू टू, यहाँ एच टू का डिवाइड और यहाँ आ जाएगा ए वन एच वन डी वन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां आने में, ओवल से एम एन तक आने में परिवर्तन की दर तो ये रही, लेकिन यहां से यहां तक की कुल दूरी आपके पास में कितनी है, एच टू डी यू टू है, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, एच टू डी यू टू है, तो इसको आप जब इस परिवर्तन की दर से गुणा करोगे तब आपको जो है कुल परिवर्तन मिलेगा,
यानी आप यहां पर क्या करोगे, गुणा करोगे H2DU2 का। तो M से लगाकर N तक जो रेखा समाकलन होगा उसका मान क्या हो गया, M से N तक रेखा समाकलन का मान हो गया A1H1DU1 प्लस डेल अपॉन H2 डेल U2 A1H1। एंड यहां पर देखो आप DU1 को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि कल भी बताया था मैंने आपको ये स्वतंत्र होता है, तो यहां पर ये बाहर आ जाएगा और ये वाला H2 जो इस वाले H2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप हटा सकते हैं यहां से, इसको मैं हटा दिया हूं, ये हो जाएगा यहां पर DU1 DU2 इस तरीके से हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, ठीक है। तो इसको हम जो है इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, M से N तक A वेक्टर का रेखा समाकलन। इसको सभी हाईलाइट कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और इससे पहले हमने जो रिजल्ट निकाला ये O से L वाला, ये भी हमारे पास में हाईलाइट कर लेंगे, ये भी जो काम में आएगा आगे। अब देखिए आगे हमने n से n के लिए फाइंड कर लिया, अब हम जो हमारा अगला पार्ट रहेगा वो देखो कौन सा रहेगा, हमने ये वाला कर लिया O से L वाला कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये m से n वाला हो गया, अब हम कर रहे हैं यहां पर n से O कर रहे हैं, n से O, तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार N से O यानी कि N टू O N से O यानी N टू O का रेखा समाकलन से लिखने का तरीका रहेगा N टू O A वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर इसका मान क्या होगा, इसका मान देखो n से o की अगर आप बात कर रहे हो तो n से o, देखो अगर आप o से n आते हो तो यहां पर o से n जो है u2 दिशा है और u2 दिशा में a वेक्टर का घटक कौन सा आएगा, a2 घटक आएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो n से o तो आप उल्टा जा रहे हो, तो यहां पर आप घटक के लिए जो दिशा ले लोगे क्या लोगे, माइनस a2 ले लोगे, मतलब यहां पर माइनस u2 दिशा हो जाएगी, तो यहां पर जो मान आएगा वो क्या आएगा, यहां पर मान में माइनस साइन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप o से n नहीं आप n से o जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस A2, A2 क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके पास में कौन सी दिशा है, U2 दिशा है, और DL की जगह क्या आ जाएगा, H2DU2 आ जाएगा। तो ये हो गया N से लगाकर O तक के रेखा समाकलन का मान हो गया, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। अब बात करते हैं हमारे अंतिम रेखा समाकलन की, तो वो कौन सा है हमारे पास में, वो है L से M तक, L से M तक। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका रहेगा L से M तक आप रेखा समाकलन कर रहे हो A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहां पर इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहां से यहां तक जो है परिवर्तन निकालना होगा, जैसे हमने यहां निकाला था, पहले हम परिवर्तन निकालेंगे, तो परिवर्तन निकालने का तरीका वही रहेगा हमारे पास में, इसको मैं बाद में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर कि आप जब एन से एनओ से बोल दीजिए एनओ से एल एम तक रेखा समाकलन में, रेखा समाकलन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका मान कितना है, n n से लगाकर O तक का मान है A2H2DU2, इसमें परिवर्तन तो माइनस साइन भी आएगा, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, परिवर्तन देखो यहां पर परिवर्तन की दिशा कौन सी है, परिवर्तन की दिशा है U1 दिशा, U1 दिशा में परिवर्तन हो रहा है,
तो यहाँ पर यू वन दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यू वन दिशा में परिवर्तन कैसे आएगा, डेल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एच वन, यहाँ आ जाएगा डेल यू वन, क्योंकि ये क्या है यू वन दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो यू वन दिशा में आपके पास में यहाँ पर जो है रेखा अल्पांश का मान आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो L से M तक रेखा समाकलन का मान हम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास में, जो आपके पास में ये मान है, ये मान यहाँ पर ऋणात्मक है। अब ये मान यहाँ पर ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो दिशा है वो है N से लगाकर O तक की दिशा, N से O तक की दिशा यहाँ पर जो है ऋणात्मक है, क्योंकि ये दिशा क्या है उल्टी दिशा है। लेकिन जब हम यहाँ पर L से M तक की बात कर रहे हैं, तो L से M तक एक सीधी दिशा है जिसको हम रेफरेंस ले रखा है हमने पॉजिटिव वाली दिशा का। तो यहाँ पर जो ये माइनस साइन है ये नहीं आएगा, इसको हम बिना माइनस साइन के यहाँ पर लिख देंगे ए टू एच टू डी यू टू। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, L से M क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन है, जबकि N से O क्या था नेगेटिव डायरेक्शन था। इसमें हमारे पास वैल्यू एड होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे परिवर्तन की दर लिखेंगे। तो परिवर्तन की दर क्या है, डेल अपॉन डेल U1 यहाँ पर H1, और यहाँ पर जो आपके पास में मान है वो है ए टू एच टू डी यू टू। ठीक है, अब दूरी कितनी है, दूरी देख लीजिए आप, यहाँ पर दूरी का मान कितना है, दूरी का मान है H1 DU1। तो यहाँ पर हम H1 DU1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा H1 DU1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर H1 जो है H1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला DU2 जो है बाहर की तरफ आ सकता है क्योंकि स्वतंत्र है। तो हमारे पास में L से M तक का जो रेखा समाकलन का मान हो गया वो क्या हो जाएगा, L से M तक रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल का मान जो है वैल्यू जो है वो हो जाएगी ए टू एच टू डी यू टू प्लस डेल अपॉन डेल यू वन ए टू एच टू डी यू वन डी यू टू। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एल से एम तक रेखा समाकलन का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है कुल चार रेखा समाकलन के मान निकाल लिए। एक बार फिर से देखेंगे, हमने पहले ओ से एल तक निकाला, फिर एम से एन तक निकाला, फिर एन से ओ तक निकाला, फिर एल से एम तक निकाली। तो चारों रेखा समाकलन के मान हमने निकाल लिए, यानी इन चारों रेखा समाकलनों के मान को जब आप ऐड करोगे तो आपको कौन सी दिशा में घटक मिल जाएगा, हमें U3 दिशा में घटक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर U3 दिशा में हमें घटक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लाइन लिखेंगे आप, लैंग्वेज लिखेंगे बंद पथ यानी कि क्लोज पाथ, बंद पथ क्लोज पाथ ओ एल एम एन ओ के अनुदेश, के अनुदेश सदिश क्षेत्र का, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का रेखा समाकलन। तो टोटल जो रेखा समाकलन है वो कितना हो जाएगा यहां पर, अगर आप इसको लिख रहे हो यहां पर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, O से L तक का रेखा समाकलन, L से M तक का रेखा समाकलन और M से N तक का रेखा समाकलन और फाइनली N से O तक का रेखा समाकलन। तो ये चारों रेखा समाकलन हमने अलग अलग निकाल लिए हैं, तो इन सभी के मान को हम क्या कर देंगे यहां पर ऐड कर देंगे। तो सभी के मान को देखिए ऐड करने पे क्लोज पाथ ए का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल। अब देखिए इन सभी की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं ओ टू एल लिख रहा हूँ, तो ओ टू एल वैल्यू थी हमारे पास में ए वन एच वन डी यू वन, एल से एम जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास में ए टू एच टू डी यू टू, इन सभी को लिख रहे हैं हम डेल ए टू एच टू डी यू टू अपॉन डेल यू वन डी वन। अच्छा इसको बाहर लिख देंगे ए टू एच टू, यहाँ पर लिख देंगे डी यू वन
डी यू टू, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में माइनस ऑफ ए टू एच टू डी यू टू, देखिए हमने जब निकाला O से L तक की जो दिशा है हमने वो पॉजिटिव ली, ये O से L तक की जो दिशा थी हमारे पास में पॉजिटिव दिशा थी, ठीक है। फिर हमारे पास में हम आगे गए L से M, तो L से M आपके पास में ये पॉजिटिव दिशा लेंगे हम। उसके बाद में M से जब आप N जा रहे हो, M से जब आप N जा रहे हो, तो एक्चुअल में आप ओ एल दिशा की क्या जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, उल्टी उल्टी दिशा में जा रहे हो, उसका मान ऋणात्मक आएगा, ठीक है। और फिर जब आप N से O जा रहे हो, N से O आपके पास में किसके विपरीत है, N से O आपके पास में L से M के विपरीत है, तो ये वाली भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आपके पास में दो मान तो पॉजिटिव आएंगे और दो मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर देखो दो मान तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, दो मान नेगेटिव लिखूंगा मैं, तो एक तो मैंने लिख दिया ये वाला, अब दूसरा वाला कौन सा आएगा आपके पास में, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे हम, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ए वन एच वन डी यू टू प्लस डेल ए वन एच वन अपॉन डेल यू टू डी यू वन डी यू टू, ठीक है। तो दो मान पॉजिटिव आएंगे और दो मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। फिर इनको अगर हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटली तो ये लाइन इंटीग्रल उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए इस वाले मान को देखिए और इस वाले मान को देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, आई थिंक यहां पर ये डेल यू वन आएगा, ये डेल यू वन है, डी यू वन है, ठीक है, डी यू वन है, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, ओनली ये दोनों वैल्यू बचेंगी। तो इन दोनों वैल्यू को लिखा हूँ यहाँ पर, वैल्यू लिखी जाएगी डेल अपॉन डेल यू वन ए टू एच टू और माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखिए माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर अंदर, फिर माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो डेल अपॉन डेल यू टू ए वन एच वन और जो वैल्यू हमारे पास में कॉमन रहेगी वो रहेगी डी यू वन डी यू टू, यहाँ भी है डी वन डी यू टू, यहाँ भी है डी वन डी यू टू, तो डी यू वन डी यू टू कॉमन रहेगी यहाँ, इस तरीके से। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास में जो आप कंपोनेंट अगर आप निकालते हो यहाँ पर, जो आपके पास में कर्ल ऑफ ए अगर आप निकाल रहे हो यहाँ पर, तो कर्ल ऑफ ए का हम सिर्फ यू थ्री वाला कंपोनेंट निकाल रहे हैं, मतलब इसको आप थ्री लिख सकते हो आप यहाँ पर, हम यहाँ पर यू थ्री वाला कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो यू थ्री वाला कंपोनेंट निकालने के लिए आपने जो है रेखा समाकलन तो निकाल लिया, अब इसी रेखा समाकलन में जो है आप आपके पास में बंद पृष्ठ जो था उसका उसके एरिया का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो बंद पृष्ठ आपके पास में ये वाला है, अब इस बंद पृष्ठ में आप एरिया अगर फाइंड करते हो, इसका एरिया अगर आप निकालते हो, तो एरिया क्या होगा आपके पास में, इसका इसका एरिया होगा इन दोनों रेखांशों का गुणा, यानी कि एच वन एच टू डी यू वन डी यू टू, ये मैंने आपको सिखाया था। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा आपके पास में ई थ्री कैप दिशा होगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा कर्ल कर्ल ऑफ ए का आपके पास में थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा एच वन एच टू डी यू वन डी यू टू, और ये रेखालपांश का मान हो गया, ये आपके पास में कंप्लीट रेखालपांश का मान है डेल अपॉन डेल यू वन ए टू एच टू माइनस डेल अपॉन डेल यू टू ए वन एच वन डी यू वन डी टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डी यू वन डी टू इनका मान कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल होने पर हमें वैल्यू मिलेगी कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है, वन अपॉन एच वन एच टू, ठीक है,
और इसको आप लिख देंगे यहाँ पर डेल अपॉन डेल यू वन ए टू एच टू माइनस डेल अपॉन डेल यू टू ए वन एच वन, इस तरीके से। तो क्या हो गया, आपके पास में कर्ल ऑफ ए वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम बाकी दोनों कंपोनेंट भी लिखते डायरेक्ट इसी प्रकार, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट हम इसको देखते हैं, अगर हम बाकी लिखे जैसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर का अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट देखो जब आपने थर्ड कंपोनेंट लिया है तो ओनली वन और टू आया है, थ्री नहीं आया है। देखो ध्यान से, इस पूरी वैल्यू में थ्री कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। इसका मतलब जब आप वन कंपोनेंट लोगे तो आपको पूरी वैल्यू में वन नहीं दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एच टू एच थ्री, है ना। और यहाँ पर आप देखो वन के बाद में क्या आता है, वन के बाद में आपके पास टू आता है, तो टू लेंगे हम यहाँ पर, डेल अपॉन डेल यू टू लेंगे यहाँ पर। अब जब यहाँ पर वन आया है तो यहाँ पर वाली वैल्यू टू आई है, इसका मतलब यहाँ पर अगर टू आया है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी, यानी यहाँ पर आएगा ए थ्री एच थ्री। एकदम सिक्वेंस में चलना है आपको, तभी आप जो सिमिलरली लिख पाओगे। टू के बाद में क्या आएगा, थ्री आएगा, यानी कि डेल अपॉन डेल यू थ्री आ जाएगा। अब जब यहाँ थ्री आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा, टू आएगा, ए टू एच टू। इस तरीके से आप बिना जो है इसको सोल्व किए दूसरा कंपोनेंट आसानी से लिख सकते हो। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप सेकेंड कंपोनेंट निकालते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर का, सेकेंड कंपोनेंट जो निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि यहाँ पर टू आ गया है तो वन अपॉन यहाँ पर एच वन एच थ्री आएगा, टू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, आपके पास वन के बाद में सॉरी टू के बाद में कितना आता है, थ्री आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर टू आया है इसका मतलब यहाँ स्टार्टिंग हम करेंगे थ्री से, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल यू थ्री और यहाँ पर ऊपर की तरफ वन आएगा ए वन एच वन माइनस डेल अपॉन डेल यू वन, अब यहाँ पर थ्री आ जाएगा यानी ए एच थ्री। तो इस तरीके से हम तीनों कंपोनेंट हमने जो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर के निकाल लिए। तो अगर आपके पास में तीनों कंपोनेंट है तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर आप कैसे लिखोगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिखने का तरीका जो रहेगा वो रहेगा कि e1 कैप कर्ल ऑफ ए वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट, e2 कैप कर्ल ऑफ ए वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट, e3 कैप कर्ल ऑफ ए वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट। तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करने के देखिए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, e1 कैप अपॉन h2 h3 डेल अपॉन डेल u2 a3 h3 माइनस डेल अपॉन डेल u3 a2 h2, फिर यहाँ पर आएगा e2 कैप अपॉन h3 h1 डेल अपॉन डेल u3 a1 h1 माइनस डेल अपॉन डेल u1 a3 h3, ठीक है। और फिर आएगा थर्ड कंपोनेंट यानी कि e3 कैप अपॉन h1 h2 डेल अपॉन डेल u1 ए टू एच टू माइनस डेल अपॉन डेल यू टू ए वन एच वन। तो ये हमने क्या कर लिया, तीनों कंपोनेंट को हमने जो है यूनिट वेक्टर के साथ ऐड करते हुए लिख दिया। मतलब यहाँ पर देखो फर्स्ट कंपोनेंट को मैंने ई वन कैप से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ई वन कैप में है, सेकेंड कंपोनेंट को मैंने ई टू कैप से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ई टू कैप में है, और थर्ड कंपोनेंट को मैंने जो है ई थ्री कैप से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ई थ्री कैप है, ठीक है। अब देखिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर देखो आपके पास में ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला फॉर्मेट, ये इस तरह से फॉर्मेट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट में मिलता है। तो ये डिटरमिनेंट वाली फॉर्म है तरीके से। तो डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को यानी कि यहां से लगाकर यहां तक हम जो है इसको एच वन एच टू एच थ्री इससे क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर इसको। डिवाइड अगर करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एक मिनट देखिए, इसको ऐसा नहीं करेंगे हम, इसको हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर H1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ पर मैं H2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ पर मैं H3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ,
अब देखो सभी में आपको H1, H2, H3 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर, H1, H2, H3 कॉमन सभी में मिल जाएगा आपको यहाँ पर, मिल गया ना। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी 1 अपॉन H1, H2, H3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा H1 E1 कैप और बाकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो इसको मैं लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2H2। फिर यहाँ आ जाएगा इसमें H2 E2 कैप डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3, ठीक है। देन प्लस H3 E3 कैप डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1, इस तरीके से। तो ये सब क्या आपके पास में सारणिक वाला हिस्सा है, उसको आप सारणिक में बदल सकते हो। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन H1 H2 H3 और सारणिक में आपसे लिख दो इस तरीके से। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा E कैप H1, यहां E2 कैप H2, यह आएगा E3 कैप H3 और यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 और यहाँ आएगा A1H1, यहाँ आएगा A2H2 और यहाँ आएगा A3H3, ठीक है। अगर आप इस सारणी को सॉल्व करते हो, हल करते हो, तो आपको यही वाली जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई ना, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये वाला मान आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास में कर्ल ऑफ ए वेक्टर हो गया, जो कि हमने जो है सारणिक या डिटरमिनेंट के फॉर्म में फाइंड कर लिया है।